महादेव, जय श्री महाकाल, जय मां तारा। मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल तंत्र मंत्र टोने टोटके में हार्दिक स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सबों पर बना रहे। आप सभी को मालूम हो चुका है कि झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है और कई चरणों में चुनाव होने जा रहा है। तो बहुत सा राजनेताओं का मेरे पास कॉल आ रहा है, मैसेज में मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा मुझे मैसेज किया जा रहा है कि कुछ ऐसे उपाय किया जाए ताकि जनता की समर्थन मेरे ऊपर मिले। तो इस चीज को देखते हुए मैंने आज एक वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसे आप आजमाएं जरूर। और अगर वीडियो पसंद पड़े, आपको अच्छा लगे, तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में बेल घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए, इस वीडियो में आज क्या दिखाने जा रहा हूं आपको। तो आज का शीर्षक है कि हजारों लोग को एक साथ करें वशीकरण, ये कैसे होगा। ये ज्यादातर राजनेता जो है चुनाव के समय में करते हैं और पूरी जनता को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये कैसे होगा? तो हमारे तंत्र विद्या में एक वशीकरण तिलक बनाया जाएगा। वो क्या है वशीकरण तिलक? कि उसमें कपूर, अष्टगंध का पाउडर, लाल चंदन का पाउडर, सफेद चंदन का पाउडर, हल्दी का पाउडर, उसके बाद कुमकुम, सिंदूर, रोड़ी, अगरू, मधु, ये सारे चीज को मिला करके आपको जो है इसको पाउडर बना लेना है। और उस पाउडर को जो है केवड़ा के जल में घोल बना करके एक पेस्ट बनाना है। जैसे घर में मसाला का पेस्ट बनाते हैं, उसी तरह ये पेस्ट बनेगा। और पेस्ट बना करके चांदी की कटोरी या तांबे का कटोरी में इसको रख करके, पूजा स्थल में रख करके, ये मंत्र का प्रत्येक दिन 7 माला जाप करना है। ओम ह्रीं बटुक भैरवाय मम सर्व कार्य सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं बटुक भैरवाय मम सर्व कार्य सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं बटुक भैरवाय मम सर्व कार्य सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 7 माला आपको जाप करना है रुद्राज की माला से। तो एक माला जो होता है आपको 108 दाने होते हैं, तो 108 बार करके इसको जाप करना है एक माला। तो इसको 7 माला करना है। 7 माला जाप करने के बाद में इसके बाद एक और मंत्र है, वो वशीकरण मंत्र है। वो मंत्र क्या है कि ओम ह्रीं आदि पुरुषाय सर्वजनस्य मम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आदि पुरुषाय सर्वजनस्य मम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र को जो है 3 माला अलग से आपको जाप करना है। और जाप करते समय में वो जो पेस्ट बनाए थे, वो पेस्ट आपकी नजर के सामने होना चाहिए। आप पूजा स्थान में, पवित्र स्थान में बैठ करके धूप अगरबत्ती और जला करके इस मंत्र को आपको जाप करना है। इसको लगातार 7 दिन तक करना है। एक गुरुवार से शुरू करना है और दूसरे गुरुवार में इसको खत्म करना है। उसके बाद ये मंत्र को जब कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करिए, खैर का लकड़ी जुगाड़ कीजिएगा। खैर का लकड़ी बाजारों में मिलता है, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और जो भी मैं सामग्री आपको लिखाया हूँ, ये सब सामग्री को आप नोट कर लीजिएगा, इसे भी आसानी से बाजार में उपलब्ध है। तो ये उसको आप क्या करिएगा, अग्नि को प्रज्वलित करके, शुद्ध घी से प्रज्वलित करके, उसमें जो है आपको शक्कर, मधु और आपका काला तिल, ये तीनों चीज मिला करके 108 बार ये दोनों मंत्र का आपको हवन कर लेना है। और हवन करने से ही क्या होगा, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा।
और आप जब भी कोई जनता के बीच में जा रहे हैं, आप कभी कोई हजारों लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, हजारों लोगों को आपके प्रति आपको आकर्षित करना है, तो ये जो पेस्ट है, जो टीका है, इस टीका को लंबा तिलक लगा करके आप जनता के बीच जाइएगा, तो जन समूह का समर्थन पूरी तरह से आप पर हावी रहेगा और पूरी तरह से आपको समर्थन मिलेगा। मैं यही चंद वाणी के साथ आज आपसे विदा ले रहा हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।